मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है ए आर जे बाइक्स। तो यार बहुत दिन के बाद मैं रूम से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं सोचा कि रूम से स्टार्ट करना चाहिए। और मैं आज कुछ अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। और आज दिन है फ्राइडे और डेट है 22 जुलाई और टाइम हो रहा है 10:50। ओके, तो गाइज एक सामान मैं मंगाया हूँ अपने बाइक के लिए, वो बहुत ही मतलब दिलचस्प चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि वो जब बाइक पे लग जाएगा ना तो ओहो बहुत खतरनाक लगने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये मैं मंगाया हूँ, अभी इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगा कि क्या है इसके अंदर। चलो, और ये मैंने मंगाया है, एक इंस्टाग्राम पे पेज है नट्स एंड बोल्ट्स करके, तो वहाँ से मैंने इसको मंगाया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसको अनबॉक्सिंग करके। तो गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं, काटते हैं बीच से। भाई पैकिंग बहुत अच्छा किया हुआ है। ब्रेम्बो, ये तो गाइज ये है ब्रेम्बो ब्रेक मास्टर सिलेंडर। इसको मैं दिखाता हूँ अभी, खुल जा सिम सिम। ये देखो भाई साहब, तो ये है द ब्यूटी ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ओके, अब ये किधर से खुलेगा? ओके, और ये देखो गाइज, मैं अभी पहली बार देखने जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये देखना है मेरे को सबसे पहले। ओहो वाओ, ये देखो गाइज ब्रेमो ब्रेक मास्टर सिलेंडर है ये। इसका कैलिपर, ये लीवर देखो, क्या तो प्रीमियम लग रहा है यार। ओ वाह, और एक होगा ये देखो, ये सारा चीज अपने को मिला है इसमें लगने के लिए। बस इतना सारा सामान है इसमें। तो ये है भाई साहब ब्रेम्बो ब्रेक मास्टर सिलेंडर, जो कि मैंने मंगाया है नट्स एंड बोल्ट्स करके। इंस्टाग्राम पे एक पेज है, वो चेन्नई बेस्ड में है, चेन्नई में उसका शॉप है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करोगे तो आपको 5 से 6 दिन में पार्सल मिल जाएगा। बाकी चलो यार, इसको आप फिट करवाते हैं डायरेक्ट जाके। चलो मिलता हूँ। ये गाइस निकल चुका हूँ करोल बाग के लिए, और भाई बारिश हुई थी अभी थोड़ा देर पहले, अभी रोड सूख गई है तो चलो अच्छा है, नहीं तो गाड़ी में इतना छीटा पड़ता है कि पूरा शूज़ पैंट सब गंदा हो जाएगा। और बाकी यार मौसम अभी सही हो गया है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, और देखो इतना सारा ट्रैफिक इस रोड में, तो ट्रैफिक रहता ही है। ये एयरपोर्ट वाला रोड है जो कि गुड़गांव टू दिल्ली कनेक्ट करता है, और यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं भाई कि आदमी एक बार देख के लिए फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा कि इसमें मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। बट देखो क्या तो सेक्सी गाड़ी है भाई, बेंटले। ओहो वाओ, व्हाट ए कार, बहुत सेक्सी लग रही थी। तो गाइस फाइनली मैं करोल बाग पहुंच चुका हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा यार। ये देखो बाइक, बाप रे बाप, इतना सारा बाइक यहाँ रहता है। ओहो देख रहे हो, तो मैं पहुंच चुका हूं। फाइनली मैं यहां करोल बाग पहुंच चुका हूं, और इतना ज़्यादा गर्मी हो गया यहां पे, आते आते पसीना से पूरा चेहरा भीग चुका है, और काम स्टार्ट होने वाला है। ये रहा अपना ब्रेम्बो का ब्रेक, जो कि ये भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहसिन, ओके मोहम्मद मोहसिन नाम है इनका। तो यही मेरे गाड़ी का फिट करेंगे अभी, और भाई भी साथ दे रहा है, तो दिखाता हूँ मैं आपको फिटिंग कैसे होता है, एक एक चीज़ बताऊँगा कैसे कैसे फिटिंग है, आप वीडियो पे पूरा देखना। तो गाइज जैसे आप देख सकते हो, ये आपका फिटिंग स्टार्ट हो चुका है। सिंपल है, ज़्यादा
कुछ इसमें तामझाम करना नहीं है, प्लग इन प्ले है, उसको निकाला इसको डाल दिया बस। क्या भैया एलएन की फिट किया, टाइट हो जाएगा। उसके बाद मेन है मास्टर सिलेंडर फिट करना। अभी इधर भी प्रोसेस जा रही है, सॉरी ये चीज़ अभी पूरा निकलेगा, उसके बाद इसमें लगेगा लीवर। वायर लंबा नहीं होगा, वायर लंबा नहीं होगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसको निकाल के एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ एडजस्टर बनना पड़ेगा। तो ये जो पाइप आप देख रहे हो, ये पाइप यहाँ पे लगेगी, ऐसे फिट होगी। अब इससे कनेक्ट होगा पिस्टन, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पाइप फिट करने के बाद ये वाला आपको टाइट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ पे फिट करना होगा अच्छे से। अब ये जो सिलेंडर दिख रहा है आपको, ऐसे फिट होगा ये पाइप के अंदर, ऐसे ये आपका सिलेंडर ऐसे फिट हो चुका है। अब इसमें ये नट बोल्ट लगा के टाइट किया जाएगा, उसके बाद जो लुक आएगा भाई खतरनाक। क्या और अब ये चीज़ जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला इस पर फिट होगा ना भैया, ये वाला इस पर। तो इसको साथ में यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा, उसके बाद ये जाके वहाँ पे फिट होगा। टाइट हो गया ना? नहीं अच्छा नहीं, अभी टाइट हुआ नहीं, फिटिंग बना रहे हैं। ये थोड़ा सा डाउन करके कर दीजिएगा। ये देखो भाई, तो ये जो वायर है ये यहाँ पे फिट होगा। कहिए भैया फिट दिखाते हूँ वीडियो में, क्योंकि जो देखेगा ना उसको पता रहना चाहिए कि कौन कहाँ कहाँ फिट हो रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। देखो नारियल का तेल मैं मजाक कर रहा हूँ, ये नारियल का तेल नहीं है, ये है डिस्क ऑयल। यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे डलेगा अभी ये ऑयल, तो अभी मैं डालते हुए दिखाता हूँ। बाकी क्वालिटी अच्छा है, बॉश कंपनी का है ऑयल, ये देख सकते हो आप। चलो इस पे डालते हैं। तो ये रहा ऑयल डालने का प्रोसेस स्टार्ट। रेड कलर का है ना ये, इससे भी अच्छा ऑयल आता है क्या? चेंज करवा लूँगा कुछ टाइम बाद। ये देखो गाइस सक हो रहा है, तो कैसे भाप वो बबल उठ रहा है। कम नहीं हो गया? नहीं ऑयल डालूंगा मैं अंदर। तो गाइस ऑयल पूरा भर चुका है, मतलब मैक्सिमम इधर है, ये दिया हुआ है यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्स तक डला है ऑयल। और ये ऑयल रेड कलर का है, एक आता है ऑरेंज कलर हल्का, वो थोड़ा टाइम बाद करवा लूँगा फिर से चेंज। ओके अभी टेम्प्रोरी यही डलवाया हूँ, देखता हूँ कैसा वर्क करता है। ओके देखने में तो यार बहुत ही शानदार लग रहा है, लुक एकदम चेंज हो चुका है गाड़ी का, स्पोर्ट वाला फील ले रहा है पूरा, फिट हो गया है पूरा। दिखाता हूँ एक फाइनल में आपको, फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिट हो चुका है ब्रेम्बो ब्रेक। ये देखो ये क्लच लीवर है, ये अभी इसमें क्लच टाइट हो रहा है, बाकी सब कुछ हो गया है। ये देखो यहाँ पर ऑयल भी डल चुका है, पूरा फिटिंग है टाइट एकदम। ये ब्रेक भी ज़बरदस्त मस्त एकदम हो गया है। तो हाँ भैया ने फिट किया है, तो भैया फिट करना कितना टफ है या इजी आपके हिसाब से? इजी है बहुत, आराम से फिट हो जाता है, आराम से फिट हो जाता है, कोई तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है ना, ईजिली फिट हो जाता है। चलो गाइज तो मैं आपसे रोड में मिलता हूँ, देखते हैं रोड में, दिखाता हूँ मैं आपको
कैमरा में कि कैसा लग रहा है इसका व्यू। बाकी सब कुछ मस्त है, मज़ा आ रहा है, लुक एकदम शानदार हो गया है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो भाई साहब फिटिंग हो चुका है पूरा, ये देखो क्या तो सेक्सी लग रही है यार बाइक, ओहो वाओ। और लीवर भी एकदम पकड़ने में अलग ही फील आ रहा है, ये देखो ये हो गया इधर क्लच। ये चलो चलते हैं। ये बॉय कम ऑन, वाओ फीलिंग वेरी नाइस मैन, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, एकदम स्पोर्ट्स वाला फील आ रहा है अब तो और ज़्यादा।